सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने ओम शांति। बाबा की याद केवल अंतर आत्मा को शांति नहीं देती, अपितु बाह्य वातावरण को, जड़ को और चेतन को भी शांत कर देती है। पतित से पावन बना देती है। चारों ओर सकारात्मकता का एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट कर देती है, जिसमें जब बाहर वाला कोई आता है तो उसे भी पवित्रता की सकाश मिलती है। इसलिए कई बार बाबा वाणी में भी कहते हैं कि बाबा की याद ये है सबसे नंबर वन सेवा। इसलिए वाचा में, कर्मणा में हम चाहे कितनी भी सेवा करें, परंतु बाबा की याद, उससे जो शक्ति मिलती है, जो आभा और प्रभा मंडल बनता है, उसकी तुलना और किसी सेवा से हो ही नहीं सकती। और ये सबका अनुभव है ना? और इस स्थिति में स्थित होकर जब हम बाबा की मधुर मुरली सुनते हैं तो आनंद आता है। तो सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। आज है 16 तारीख, 16 सितंबर
2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबके ऊपर जिम्मेवारी है ये, पर इस जिम्मेवारी में कोई टेंशन नहीं है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरों को भी लक्ष्य देना है, खुद भी लक्ष्य बुद्धि में रखना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? बाबा की गोदी में आ जाते हैं, जब हम बाबा के बन जाते हैं, दिल से कहते हैं बाबा आप मेरे हो, और बाबा भी कहते हैं बच्चे आप मेरे हो। अब ऐसा हुआ है क्योंकि सब चीज़ें सूक्ष्म रीति हैं, है ना, उसका क्या निशानी है, आपको कैसा अनुभव होगा? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। तो मंगल मिलन हम मनाते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि संपूर्ण भारत स्वर्ग बन जाता है। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो, सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते, तो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। छोटा सा कुल है, मात पिता भाई बहन बस। आजकल ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। योग बल, ये बल दो। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो, दोनों काम कर रहे हैं, पर है कैसे? साइलेंस, बिल्कुल शांति की स्थिति में। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है। क्या सेवा है हमारी? हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो, अपने समान बनाना। बाप आकर पहले हेल्थ, पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है, शांति में भी सुख है और सुख धाम में तो है ही सुख। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं उनको सुख नहीं चाहिए। हाँ, जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं, सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे ना सके, वैसे भी वो क्या कहते हैं, सुख क्या है, काग विष्टा के समान है।
अगर शांति देवें तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है, बहुत थोड़ा है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता, चाहे मुक्ति हो चाहे जीवन मुक्ति हो। दोनों का दाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता केवल एक शिव बाबा है। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। बेहद की है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। सो, बेहद का बाप ही दे सकते हैं, तो देने वाला भी अनलिमिटेड है, बेहद है। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमें ही तो चुभे हैं ना वो कांटे। सब दुख देते हैं, सब अशांति फैलाते हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं, ये सब क्या है, कांटे। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हैं। यह है दुख की दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया में ये विकार सर्वव्यापी है। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत की यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक आती है, थोड़ी देर के लिए। बस मंदिर से बाहर गए और खलास। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उन्हों की राजधानी थी। बुद्धि ये कहती है महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कब थे ये तो किसी को पता नहीं है, कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। 5,000 वर्ष की बात है, क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2,500 वर्ष हुए हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइनकार्नेशन किया, आत्मा ने अवतरण लिया। यूँ तो रीइनकार्नेट हर एक करते हैं, है ना, ऊपर से आत्मा आती है शरीर धारण करती है, तो हर एक आत्मा रीइनकार्नेट होती है। आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी रीइनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परमपिता परमात्मा रीइनकार्नेट करेंगे, अवतरित होंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रीइनकार्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है, जैसे बुद्ध का रीइनकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइनकार्नेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा रीइनकार्नेशन है। वह बड़े हैं तो रीइनकार्नेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा यह नहीं जानते। शरीर में तो ज़रूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने कारण उनका रीइनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे।
गाते हैं, परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, ऐसे दुनिया में कहते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है, क्योंकि सब क्या है, झूठ। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। बहुत सिंपल है, 24 अवतार की क्या जरूरत है। शिव का सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकार्नेशन कहेंगे, वो भी दिखाते हैं ना विष्णु के 24 अवतार। देवी देवता धर्म का रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। धर्म की स्थापना होती है, रीइंकार्नेशन नहीं होता। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं, भक्ति मार्ग में एक नाटक बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। अभी हम विष्णु के कुल के बन रहे हैं, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, ये क्या हो रहा है, कुल की स्थापना हो रही है। इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ। हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो ना सके। इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। इतने सारे बच्चे विकार के थोड़ी ना होंगे, मुख वंशावली बच्चे हैं। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है, बस गुरु हैं और शिष्य हैं। दादा बाबा भाई बहन ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको यानी बड़े भाई को कहा जाता है, सिंधी में डाडा कहते हैं बड़े भाई को। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, यह मंगल मिलन है। हम आत्मा ईश्वर की गोद में आए हैं, फील करेंगे सभी जैसे हम आत्मा बिल्कुल बाबा की गोद में बैठे हैं, बिल्कुल पास। जब गोद में बैठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे जन्म जन्मांतर की थकी हुई आत्मा को बिल्कुल आराम मिल गया हो, थकावट दूर हो गई हो, तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे तीन नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, त्रिवेणी है ना, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। भक्ति मार्ग में गुरु और जिज्ञासु का होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है। क्या गायन है मिलन का, आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परमपिता परमात्मा से।
इसमें पानी के नदी की बात नहीं है, यानी नदी और सागर के मिलन की बात नहीं है, यह है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, हम बच्चे बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है यही मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है, परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, दुनिया में कुंभ का मेला लगता है, वास्तव में सच्चा कुंभ का मेला ये है। कुंभ को भी संगम कहेंगे, तीन नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है, सबसे पहले शिव बाबा किससे मिलते हैं? ब्रह्मा बाबा से। तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही, बाबा और दादा दोनों कंबाइंड हैं। अब कुंभ का मेला है संगम पर, तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। तो स्वर्ग स्थापन करने का आधार क्या है? प्योरिटी। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे देवताओं की होती है, ऐसी अवस्था है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। देखो बाबा की हमसे कितनी उम्मीदें हैं, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। प्योरिटी, कोई अवगुण नहीं, वही फिर स्थाई स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तो कैसे बनाएंगे घर घर को स्वर्ग? एक तो पवित्रता की धारणा को पूर्ण रीति जीवन में अपनाएंगे, और दूसरा बाबा ने कहा कि आप में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें कभी किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, देखेंगे तो आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है। कौन सा गीत? आज कौन सा गीत सुना? घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है। वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच ते ऊंच मेला है, गंगा का और सागर का मेला। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले। गंगा सागर का मेला लगता है ना कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते हैं, ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है और लग रहा है ना, हम सभी उस मेले में हैं। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। ये ज्ञान माध्यम है बाबा से मिलने का, जिसे बाबा अपना पैगाम हमसे हमें सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं।
हमें हर कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं। इससे बड़ा मिलन, इतना सुंदर सानिध्य कभी किसी को नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, साकार मुरली है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। ब्रह्मा बाबा तो फिर भी जाते थे ना, तो जड़ सागर थोड़ी ना जाता है, यह सागर जाता है। तुम नदियाँ भी जाती हो, जब निमंत्रण मिलता है सेवाओं पर सब जाते हैं निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड है ना। तो साकार बाबा जगह जगह पर जाते थे। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है, ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। देखना पड़ता है ना कि कौन सी आत्मा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, और कोई वैसे ही आ रहे हैं। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं ताकि वो उठें ज्ञान में और आगे बढ़े, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, सबसे जरूरी धारणा है प्योरिटी की। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती, इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, दोनों चीज़ें हैं, या साथ ले आते हैं या फिर किसी को भेज देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी ना कोई पावन आएगा। पतित आते हैं पावन बन जाते हैं, फिर बाबा से मिलाने से पूर्व मधुबन आने से पहले उनको पूरी तरह तैयार करना पड़ता है ताकि वो पवित्रता को पूरी तरह धारण कर लें। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर्स सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना, मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा क्या कि बुद्धि में बैठता है व नहीं, ये चेक पता चल जाता है, चेक भी कर सकते हैं पर पता भी चल जाता है कि उसकी बुद्धि में सब बैठता है कि नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे, ये तो सब मानते हैं ना कि एक लौकिक बाप है एक पारलौकिक बाप है। युक्ति बतलाई जाती है, स्वीकार किया है नहीं किया है, अभी भी देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, पता चल जाता है। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है ज़रूर। ड्रामा हो बहो रिपीट हो रहा है, क्राइस्ट का जो चित्र है हो बहो फिर उसी समय ही हो सकता है ना, अगले कल्प फिर उस समय क्राइस्ट का वही चित्र होगा, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता, सेम टू सेम नहीं हो सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न, नाम
रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है। उसको फिर पावन बनाते हैं, बिल्कुल से ड्रिल कराते हैं ना, तो फीलिंग आती है कि आत्मा पहले क्या थी, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, अलग अलग जन्म में अलग अलग माता पिता मिले, अलग अलग नाम रूप, अलग अलग तरह की सब चीज़ें मिली हमें, और फिर अब हम अंतिम समय में इस जन्म में आकर बाबा के साथ मिले हैं। तो देखो कितना वंडरफुल ये ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं उसको फिर पावन बनाते हैं, तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, तो पावन कौन बनाते हैं? बाबा। अकल्याणकारी रावण है, सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सदगति हो जाती है, जड़ और चेतन सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सदगति, नर्क का विनाश स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। इतना बड़ा परिवर्तन, युग परिवर्तन हो जाता है, तो स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। क्या बनते हैं हम? मंदिर लायक बनते हैं, देवी देवताएं बन रहे हैं। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है, लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत, थप्पड़ मार देते हैं, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के भूत हैं, एकदम गिर पड़ते हैं, लोभवश भी गिर पड़ते हैं। हर एक के अपने अपने विकार। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी, ऐसा होता है क्या? लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है ना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसके कारण हम इतना बड़ा वर्षा गवाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर कल्प में हमने बाबा से ये सारा वर्षा लिया है, अभी भी लेंगे, और उसके लिए ये छोटी छोटी बीच में बातें आ जाती हैं। मिठाई क्या चीज़ है, इतना बड़ा बाबा स्वर्ग दे रहा है, वहाँ पर तो कितने भी व्यंजन खाना। एक छोटे से जन्म के अंदर क्या हम छोटी छोटी धारणाओं को जीवन में नहीं अपना सकते? सब कर सकते हैं, कल्प पहले भी किया था, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन विकारों के वश नहीं होना है हमें। लोभवश भी गिर पड़ते हैं, अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी, लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुँचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं, पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। अभी वो 14 वर्ष की भट्टी नहीं है, परंतु अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई, अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। पहले तो भट्टी के नियम बहुत कड़े थे, अभी तो फिर भी बहुत कुछ लाइट हो गया है। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है, ये तो साकार बाबा की वाणी है। आजकल तो मोबाइल के होते तो यहाँ पर आते भी हैं, भट्टी के लिए आते हैं, परंतु मोबाइल पुरानी दुनिया से कनेक्ट ज़रूर कर देता है। पूरी तरह मन बुद्धि एकाग्रचित हो जाए वो नहीं करने देता। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है। सेंटर पर आते हैं बहुत अच्छा लगता है, सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे घर की तरफ जाते जाते हैं वो आकर्षण, वो बातें, वो लोग फिर से देह भान में ले आते हैं, संग दोष लग जाता है।
अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं? दादा, बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया जाता है। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। वो जो लौकिक ब्राह्मण है ना, उनकी बात बाबा कर रहे हैं। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, यह संगम योगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना, चोटी ऊपर है ना, उसके बाद नीचे देवताएं हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। ये समझाने का तरीका बाबा बता रहे हैं कि कैसे उन लौकिक ब्राह्मणों को समझाओ। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो नशा चढ़ता है सभी को, हम कौन हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण। फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। इतना बड़ा परिवर्तन और कोई थोड़ी ना कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से ए बोल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद आ रहा। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर के अवगुणों की जांच कर। क्या चेक करना है? अंदर के अवगुणों को, उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। हर पल बाबा से मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान है अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर। कौन से संस्कार? अनादि संस्कार, वो संस्कार जो परम धाम में थे। सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। कितना अच्छा वरदान मिला। क्या बन जाएंगे? उड़ता पंछी। पर कैसे? जब अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करके सब समस्याओं को पार कर लेंगे। पंछी सब बातों को पार करके ऊपर उड़ जाता है, बादलों से भी ऊपर। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आत्मा ज्योति बिंदु उड़ने वाली है, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय क्या बन जाते हैं? पिंजड़े के पंछी बन गए हो। कौन सा बोझ है? हम तो ज्योति बिंदु, छोटी सी बिंदु आत्मा है। अब कितना बड़ा बोझ है? देह का बोझ, संबंधों का बोझ, कर्मों का बोझ, न जाने कौन कौन से बोझ। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो। अंदर ही हैं, मर्ज हो गए हैं, इमर्ज करो। अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। देह में रहते फरिश्ता हूँ मैं। बार बार अपने उस फरिश्ते रूप को इमर्ज करो, हल्के हो जाओ, लाइट। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। इमर्ज करना अपने अनादि संस्कारों को, फरिश्ते रूप को। बाबा बार बार जो ड्रिल कराते हैं ना कि सेकंड में परम धाम चले जाओ, बिंदु बन जाओ, फिर धरती लोक पर आओ,
फिर अपने आदि संस्कारों को इमर्ज करो, फिर धीरे धीरे पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो, फिर ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करो, फिर फरिश्ते बन जाओ, हल्के हो जाओ, फिर से अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, बिंदु बन जाओ। किस लिए कराते हैं? इसलिए ही, ताकि आत्मा सहज रीति उड़ता पंछी बनकर बाबा के साथ उड़ जाए। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? यही जो वरदान में बाबा ने कहा, 5 स्वरूपों की ड्रिल करेंगे और आत्मा को हल्का बना देंगे। अनादि संस्कार, आदि संस्कार, पूज्य संस्कार, फिर ब्राह्मण संस्कार, फिर फरिश्ता संस्कार, सबको बार बार इमर्ज करेंगे और फिर देखो आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। सेकंड में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी बड़ी समस्या हो, सहज रीति पार कर लेंगे। ठीक है ना? चलो, बाबा बहुत सहज विधियां बताते हैं सिद्धि स्वरूप बनना, कि हमारा काम है। 2 मिनट बाबा की याद में।
चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। हीरों से आकाश भरा।
है भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा जो गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा जो गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भरपूर बनेगा।